ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री का 18वां वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? यानी कि आपने सुना होगा भैंसों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, किसी एक भैंस को दो नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया कि पंच कल्याणी के नाम से किस भैंस को जाना जाता है? तो देखिए, जो नीली रावी है, नीली रावी नाम की एक भैंस होती है, उसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज नोन एज पंच कल्याणी, आल्सो नोन एज होता, तो पंच कल्याणी नीली रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीमर नाम सुना होगा आपने बोन का, तो फीमर नामक हड्डी पशु के किस शरीर में भाग में पाई जाती है? तो ये फीमर नामक हड्डी पशु के पिछले पैर में पाई जाती है, पिछले पैर में। देखिए, बहुत सारी हड्डियों के नाम होते हैं, स्केपुला व स्केरम, स्केरम नाम से होती है कोई सी हड्डी। तो ये बहुत सारी हड्डियाँ होती है जो पशु के पिछले पैर, आगे पैर में पाई जाती है, मतलब पिछले पैर, कुछ हड्डियाँ ऐसी है जो पिछले पैर में पाई जाती है, अगले पैर में भी कुछ हड्डियाँ ऐसी है जो सिर्फ पिछले पैर में पाई जाती है, अगले पैर पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया फीमर नामक हड्डी पशु किस शरीर भाग में पाई जाती है? तो पिछले पैर में। इन विच बॉडी पार्ट ऑफ द एनिमल इज द बोन कॉल्ड फीमर इज फाउंड? इन द हिंड लेग, हिंड लेग बोलते हैं पिछले पैर को। थर्ड क्वेश्चन हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं का पाचन तंत्र कैसा होता है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि जुगाली करने वाले पशुओं का पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है? यहाँ पर संरचना आता है बीच में, पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है? तो उसकी संरचना होती है जटिल, जटिल। देखिए, ऑप्शन देने के आसान या बहुत ही आसान या सिंपल होती है, लेकिन बहुत ही जटिल होती है। जटिल इसीलिए होती है कि कुछ जो खराब चीज़ें उनको उनका जो स्टोमक रहता है वो आसानी से पच पाए, तो जटिल होती है। जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र होता है जटिल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय तथा भैंस में कितने जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है? यानी मेमरी जो ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियां, वो हमारी गाय और भैंस में कितनी पाई जाती है? तो पाई जाती है दो, पेयर में पाई जाती है, जोड़ी में पाई जाती है, यानी कि दो दो स्तन ग्रंथियों को मिलाकर एक जोड़ी बनता है। तो दो जोड़ी पाई जाती है, मतलब कि चार चार स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब दो जोड़ी, टू पेयर्स ऑफ मेमरी ग्लैंड फाउंड इन बफेलो एंड काउ। अब देखिए, इनमें तो देख लिया हमने कि टू पेयर पाए जाते हैं गाय व भैंस में, यानी काउ बफेलो में, लेकिन जो हमारी बकरी व भेड़ है उनमें वन पेयर पाया जाता है। वन पेयर मतलब कि दो जोड़ी स्तन, दो दो जोड़ी नहीं, दो स्तन ग्रंथियां, वन पेयर मतलब दो स्तन ग्रंथियां। तो जो हमारी बकरी व भेड़ है उसमें एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मतलब दो स्तन ग्रंथि, एक जोड़ी मिला के दो बनते हैं, तो दो दो स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए उसमें उनमें दो थन होते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय तथा भैंस का मांस क्या कहलाता है? यानी कि जो देखिए, सब पशु का हम ऐसे तो मांस ही बोलते भी बोलते, लेकिन ऐसा अगर हम साइंटिफिक रीजन में देखें तो हर पशु का मांस अलग अलग कहा जाता है। तो गाय और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। और आपको बता दूं, जो बकरी का मांस होता है उसे चेवन बोलते हैं, चेवन बोलते हैं। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं उसे, चेवन। तो गाय और भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। इसका इंग्लिश है द फ्लेश ऑफ काउ एंड बफेलो इज कॉल्ड बीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुओं के भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? यानी जो पशुओं के खाने में जो रहता है, देखिए पशु जब खाना खाते तो उसमें जीवाणु रह जाते हैं, बैक्टीरिया, तो उसे नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो उसे नष्ट करने का कार्य करता है HCl। अब HCl कहाँ पर पाया जाता है? ये एसिड एक तरह का आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो HCl कहाँ पर पाया जाता है? देखिए, क्वेश्चन तो आ गया सच में, इससे हमें पता एक्सप्लेनेशन है इसका। देखिए, इसका HCl के बारे में पता होना चाहिए कि जब पशु शरीर में पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है, किस जूस से निकलता है। तो देखिए, जो HCl है ये पशु के वास्तविक अमाशय, वास्तविक अमाशय मतलब बोले तो एबोमेजम, एबोमेजम में पाया जाता है HCl। और जो एबोमेजम में किससे रिलीज होता है? एबोमेजम में रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस से एबोमेजम में रिलीज होता है, लेकिन पाया जाता है एबोमेजम में। तो किससे जीवाणु नष्ट होते हैं पशु के शरीर में? HCl से। और HCl पाया जाता है एबोमेजम में, एबोमेजम रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफिनेफ्रिन एड्रेनलिन नामक हार्मोन गाय में किस ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है? देखिए, मैंने आपको पिछली बार बताया कि जो एफिनेफ्रिन एड्रेनलिन हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन के विपरीत क्रिया करता है। ऑक्सीटोसिन के विपरीत मतलब कि ऑक्सीटोसिन दूध को मिल्क लेट डाउन करवाता है, यानी दूध का उतरना करवाता है। और जो एफिनेफ्रिन एड्रेनलिन है उससे अगर मान लो पशु भड़क जाए या उसको कुछ परेशानी हो जाए तो ये हार्मोन रिलीज होता है एफिनेफ्रिन एड्रेनलिन, जिससे कि दूध वापस से चढ़ जाता है, मतलब कि दूध देना बंद कर देती है वो, सीधी भाषा में बोले तो। तो ये जो हार्मोन है वो किससे रिलेटेड होता है? तो एक ग्रंथि जिसका नाम है उपूरक मज्जक ग्रंथि,
उससे रिलीज होता है, और इसका नाम है उपरजक मज्जक ग्रंथि का इंग्लिश नाम एड्रेनल मेडुला, इसका इंग्लिश नाम है। तो एफिनेफ्रिन एड्रेनल रिलीजेस फ्रॉम विच ग्लैंड इन काउ? एड्रेनल मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाय की, और आपको बता दो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पहले डिस्कस किया था हमने। गाय की विदेशी नस्लों को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो गाय की विदेशी नस्लें उन्हें देखिए, ऐसा नहीं कि यूरोप की गाय को ये कहेंगे, अफ्रीका की गाय को ये कहेंगे, ऐसा है कि मतलब गाय की जितनी भी हमारे भारत के अलावा जो विदेशी नस्लें उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं टॉरस, इंग्लिश नाम है इसका टॉरस, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है टॉरस। और जो हमारे भारत की गाय है, भारत की गायों की बात कर रहा हूँ, उन्हें बोलते हैं जेबू, क्या बोलते हैं जेबू, ZEBU, जेबू, जेबू बोलते हैं उन्हें, भारत की गायों को क्या बोलते हैं जेबू, और विदेश की गायों को टॉरस। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, देखिए अधिकतर जितना भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ऐसा नहीं कभी भी क्वेश्चन ऐसा तो आया ही नहीं कि गाय की सबसे भारी नस्ल का नाम पूछते हो और कॉकरेज का नाम नहीं देते, और उसमें जितने भी नाम देते हैं ना उसमें कॉकरेज ही सबसे भारी होती है, मतलब क्वेश्चन हमेशा उठकर यही आता है, या तो साहीवाल दे देंगे आपको, सुरती दे देंगे, और उसमें कॉकरेज भी डाल देंगे, तो आपसे पूछेंगे गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो आपको कॉकरेज आंसर देना है, विच इज हेवीस्ट ब्रीड ऑफ काउ, कॉकरेज, 2-3 बार आ चुका अभी तक एंट्रेंस एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र जनन या शुक्राणु पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, यानी कि जो शुक्र या शुक्राणु जो सेरम बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं उसके पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल में पाया जाता है, मेल में पाया जाएगा, नॉर्मल बात है शुक्राणु। तो विच हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म प्रोडक्शन, देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आता, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म प्रोडक्शन, तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, जैसे प्रोजेस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्र जनन या शुक्राणु पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक किसके द्वारा रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है टेस्टिस, वृषण के द्वारा रिलीज, वृषण के द्वारा जो मेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय गाय किस उपगण के अंतर्गत आती है, तो भारतीय गाय मतलब सब ऑर्डर की, सब ऑर्डर के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर आर्डियोडेक्टाइला। अब बता दो 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 उपगण होते हैं, दो उपगण होते हैं, मतलब आपको बता दो गाय किस किस गण के अंतर्गत आती है, गण बता दूं पहले आपको, यानी कि जो ऑर्डर है वो उसमें किस में आती है गाय, तो आती है अंगुलाटा, अंगुलाटा गण यानी ऑर्डर के अंतर्गत आती है गाय। अब इस अंगुलाटा में दो दो अंगुलाटा तो ऑर्डर हो गया मतलब गण हो गया, लेकिन जो अंगुलाटा जो गण या जिसे ऑर्डर बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो इसके अंतर्गत दो उपगण होते हैं, उपगण मतलब सब ऑर्डर, तो उन सब ऑर्डर को बोलते हैं आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला। तो आर्टियोडेक्टाइला में तो सभी समखुरी पशु आते हैं, समखुरी है ना, उसको इंग्लिश में मेरे को आ नहीं रहा बोलना, तो समखुरी आर्टियोडेक्टाइला आते हैं, और जो विषमखुरी होते हैं जैसे घोड़े आदि वो पेरिसोडेक्टाइला में आते हैं, तो भारतीय गाय किस उपगण के अंतर्गत आते थे, उसके तो समखुरी होते, तो होती है आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुर्रा भैंस का शरीर भार कितना होता है, अब देखिए मुझे मुर्रा भैंस है वो अधिकतर आपने सुना होगा कि ज़्यादा दूध देती है, लेकिन अधिकतर इसका पूछा जाता है शरीर भार, तो इसका होता है शरीर भार 450 किलोग्राम, और इज द बॉडी वेट ऑफ मुर्रा बफेलो 450 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाय के दूध देने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो गाय के दूध देने की क्षमता श्रोणि मेखला पर निर्भर करती है। अब देखिए श्रोणि मेखला क्या होता है, आपको बता दूँ हड्डियाँ पाई जाती है जैसे स्केपुला होती है, टॉर्सल होती है, ये आदि हड्डियाँ पशुओं के शरीर भाग में पाई जाती है, अलग शरीर भाग में, पिछले बार भी मैंने बोला था खोपड़ी या पैर या किसी या कमर या कूल्हे आदि में हड्डियाँ पाई जाती है। तो देखिए ये एक हड्डी रहती है जिसका नाम है श्रोणि मेखला, इस पर अगर ये जहाँ तक मैंने सुना है हड्डी अगर थोड़ी बड़ी होती है तो इससे पशु दूध अच्छा देता है। देखिए हमें क्या करना हो छोटी या बड़ी, हमें तो यहाँ पर सिर्फ ये पता करना है कि गाय के दूध देने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, और जो बड़ी बड़ी होने पर दूध अच्छा देती है, कम होने पर दूध देती है, वो डीपली क्वेश्चन है, वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमको पता करना है कि गाय के दूध देने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो करती है श्रोणि मेखला पर। अब देखिए वहाँ पर आप क्वेश्चन ये नहीं देंगे, आप टेंशन मत लिया, क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे आपको कि वहाँ पर आपको श्रोणि मेखला नाम दे दिया और ये दे दिया कि अच्छे खाने पीने पर, अच्छे खिलाई पिलाई करने पर, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो आपको श्रोणि मेखला के अलावा, जैसे श्रोणि मेखला हड्डी है बोन है, तो उसके अलावा दूसरी हड्डियों के नाम देंगे, जैसे कि आपको स्कैपुला दे देंगे, टॉर्सल दे देंगे, स्क्रेनम दे देंगे, आदि हड्डियों के नाम दे देंगे,
और आपको उसमें से बताना है कि गाय के दूध देने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है श्रोणि मेखला पर, श्रोणि मेखला पर। इसका इंग्लिश नाम है पेल्विक बोन। ये कूल्हे की हड्डी होती है, जहाँ तक मुझे पता है पिन बोन भी बोलते हैं, शायद पिन बोन नहीं बोलते इसे, लेकिन आपको पेल्विक बोन ध्यान रखना है श्रोणि मेखला पर। द कैपेसिटी ऑफ काउस मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन पेल्विक बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रजनन की महाविधि जिसमें अपेक्षाकृत कम संबंधी पशुओं को सहवास कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि रिलेटिवली जो लेस रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनका प्रजनन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर्वस्त्र प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग। द मेथड ऑफ ब्रीडिंग रिलेटिवली लेस रिलेटेड एनिमल्स इज कॉल्ड लाइन ब्रीडिंग। अब एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ कि लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग क्या होता है, अंतर्वस्त्र प्रजनन, अंतर प्रजनन क्या होता है, पिछली बार बताया था, इस बार भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मेन होता है अंतः प्रजनन। क्या, जस्ट 1 मिनट, मेन होता है अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन, इसे बोलते हैं हम लाइन ब्रीडिंग। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आपको, जिससे कि आसानी रहे यहां पर। मेन होता है लाइन ब्रीडिंग, क्या बोलते हैं, लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत दो आते हैं, लाइन ब्रीडिंग को इंग्लिश में बोलते हैं अंतः प्रजनन, अंतर्वस्त्र प्रजनन नहीं, अंतः प्रजनन। लाइन लाइन ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन। उसके अंतर्गत दो विधि आती है, एक तो क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, वह एक आती है लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। अभी हमने लाइन ब्रीडिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया था, लाइन किसके, सॉरी लाइन ब्रीडिंग नहीं, इन ब्रीडिंग, इसे इन ब्रीडिंग बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। अब देखिए, जो इन ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अंतर प्रजनन। तो अंतर प्रजनन के अंतर्गत दो विधि आती है, कौन कौन सी, ये तो क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं हम, संप्रजनन, और लाइन ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं हम, अंतर्वस्त्र प्रजनन। तो देखिए, जो क्लोज ब्रीडिंग है उसमें बहुत ही संबंधी पशुओं को सहवास कराया जाता है, और जो लाइन ब्रीडिंग है जिसे हम अंतर्वस्त्र प्रजनन बोलते हैं उसमें कम संबंधी पशुओं को सहवास कराया जाता है। बस आपको ये समझना है, इन ब्रीडिंग के अंतर्गत दो विधि आती है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में कम संबंधी पशुओं का सहवास कराया जाता है, लाइन ब्रीडिंग में अधिक संबंधी, क्लोज ब्रीडिंग में अधिक संबंधी पशुओं का सहवास कराया जाता है, लाइन ब्रीडिंग में कम संबंधी पशुओं का सहवास कराया जाता है। अब इनको एक बार हिंदी में भी सुन लिए, इन ब्रीडिंग को कहते हैं अंतर प्रजनन, क्लोज ब्रीडिंग को कहते हैं संप्रजनन, लाइन ब्रीडिंग को कहते हैं अंतर्वस्त्र प्रजनन। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है बकरियों की जर्सी गा, बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है, यानी देखिए सभी गायों में हम गाय होती है उसमें एक जर्सी गाय होती है, आपने सुना होगा, एक ब्रीड होती है जो अच्छा दूध देती है, लेकिन फेट नहीं होता ज़्यादा। तो बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है, तो बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है, देखिए बकरियों में भी एक बकरी होती है जो अच्छा दूध देती है, तो उसको जर्सी के नाम से, कोई सी ऐसी कोई सी चीज़ होती है जिसे हम उसके मतलब दूसरे नाम से कहने लग जाते हैं अगर उस तरह का बिहेव करे या प्रोडक्शन करे, तो बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है, तो एक बकरी का नाम है नूबियन, उसे बकरियों की जर्सी कहा जाता है। फिर ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज जर्सी ऑफ गोट्स नूबियन। अब देखिए, नूबियन के बारे में कुछ फैक्ट बता दो आपको, नूबियन जो बकरी की नस्ल है ये हमारे देश की नहीं है, ये विदेशी नस्ल है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नूबियन कैसी नस्ल है, तो विदेशी नस्ल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि विदेशी या देसी कौन सी नस्ल है बकरी की। और देखिए, नूबियन और जामुनापारी, जामुनापारी तो आपको पता है हमारे देश की बकरी है, तो जामुनापारी, जामुनापारी और नूबियन, इन दोनों को क्रॉस कराकर एक बकरी की नस्लें निकाली गई, उसे क्या बोलते हैं, एग्लो नूबियन, क्या बोलते हैं, एग्लो नूबियन। तो आपसे अगर पूछ ले कि एग्लो नूबियन किसके क्रॉस से बनाई गई, तो नूबियन वो जामुनापरी के क्रॉस से एग्लो नूबियन बनाई गई, और ये तो आपको पता है विदेशी नस्लों से जर्सी और गोट से बोला जाता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।